गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग आज मैथमेटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसके साथ साथ कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान समझिएगा, ये वाला टॉपिक बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं समझ में आता है? उसका रीजन ये है कि वैसे मैथमेटिक्स में जितने भी पार्ट हैं, जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स अगर लगाने में आपको 5 मिनट लगता है, तो 5 मिनट में से 1 मिनट में आपको लॉजिक लगाना रहता है, बाकी 4 मिनट में आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना रहता है। सॉल्विंग पार्ट होता है 4 मिनट का, 1 मिनट का सिर्फ लॉजिकल पार्ट होता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी जस्ट उसका उल्टा है। प्रोबेबिलिटी जस्ट उसका उल्टा है कि अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 मिनट लग रहा है, तो 4 मिनट सिर्फ लॉजिक लगाने में, कॉन्सेप्ट लगाने में ही लग जाएंगे। 4 मिनट में आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे और इसका सॉल्विंग पार्ट बहुत कम होता है, सिर्फ 1 मिनट में सॉल्व कर देंगे। मींस ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, लॉजिकल पार्ट है, तो उस लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। ये प्रोबेबिलिटी ऐसा टॉपिक है कि आप लोग कई सारे लॉजिक आप लोगों को यहां पर सीखना पड़ेगा, और लॉजिक एक साथ नहीं बताया जाता है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन लगाते जाओगे, वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होता जाएगा। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से समझिए, मैं सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा और आपको 100% समझ में आएगा, यह मेरा आपसे वादा है। ना ही बोर्ड एग्जाम में, ना ही कंपटीशन एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता है क्या? तो प्रायिकता का मतलब यह होता है अनुमान लगाना। किसी भी घटना के बारे में अनुमान लगाने को कहते हैं। जैसे कोई भी घटना होने वाली है, होगी या नहीं होगी। जैसे हम मौसम के बारे में कहते हैं कि बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है, हम डेफिनेटली नहीं कह सकते, लेकिन हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी, आज बारिश होगी या नहीं होगी। तो अनुमान लगाने को ही हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। जैसे किसी कॉइन को हमने टॉस किया, तो हेड आएगा या टेल आएगा, हम 100% नहीं कह सकते, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा, अनुमान लगा सकते हैं। कोई भी क्रिकेट हो रहा है, तो क्रिकेट में कौन सी टीम जीतेगी, इस चीज के लिए हम अनुमान लगा सकते हैं। ओके, तो ये अनुमान लगाने की मीन्स घटना होगी या नहीं होगी, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। मींस अगर इसी अनुमान जो लगा रहे हैं, जो संभावनाएं हम देख रहे हैं, इस संभावना को, इस अनुमान को ही अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दें, संख्यात्मक रूप में लिख दें, तो वही हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। प्रोबेबिलिटी यहां पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हो। प्रायिकता वह अवधारणा है जो किसी घटना के घटित होने या ना होने की संभावनाओं को गणितीय रूप में या संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे ही प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी का सबसे सिंपल डेफिनेशन, बेसिक फार्मूला होता है, जो कि आप लोग 9th या 10th में ही पढ़ चुके हो, कि PA इक्वल टू कोई भी घटना A है, उस घटना A के होने की प्रोबेबिलिटी, उस घटना A के होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसको इस तरीके समझिए, मान लीजिए एक क्वाइन है, उसको आपने टॉस किया, अब क्या हो सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम किसने हो गए, 2। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2 हो गए। और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल, अगर हम आपसे कह दिया जाए हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो 2 टोटल पॉसिबल थे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन आपसे कह दिया गया हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, मतलब आपके फेवर में कौन सी कंडीशन है, सिर्फ एक कहेगी, हेड आएगा तभी आपके फेवर में है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गई, 1। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ऊपर 1 और नीचे 2। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/2। और वैसे भी हम लोग जानते हैं किसी कॉइन को टॉस करते हैं, 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो हेड आएगा, या और 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो टेल आएगा। ठीक है, ऐसे ही कोई डिस्क है जिसको आपने थ्रो किया, डिस्क को अगर थ्रो किया तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कुछ भी आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। लेकिन आपसे कह दिया जाए कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए कि ऊपर 2 आए डिस्क में, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 6 में से कोई एक ही कंडीशन तो है, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 6, और कितना हमारे फेवर में है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब एक ही कंडीशन है,
जब 2 आएगा तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 1 हो गया, फेवरेबल आउटकम्स 1 हो गया अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6 हो गया, तो 1/6 ये आ जाएगी किसी भी डिस्क को थ्रो करने पर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके ये हो जाएगा। अब ये तो किसी घटना ए के घटित होने की प्रोबेबिलिटी, इवेंट ए के होने की पॉसिबल ये प्रोबेबिलिटी आ गई। ओके अब किसी भी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी को तो पीए से डिनोट करते हैं और किसी भी घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी को ए डैश से डिनोट करते हैं। पी ए डैश, ए डैश का मतलब क्या है, ये घटना ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी, चाहे इसको पी ए डैश से डिनोट कर दो चाहे पी ए बार लगा दो, बार लगा दोगे ये भी वही हो जाएगा। और इसकी प्रोबेबिलिटी भाई कोई भी घटना होने की प्रोबेबिलिटी पी ए है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 पी ए होगी। ये भी एक फार्मूला होता है, पी ए बार इजकल टू या पी ए डैश इजकल टू 1 पी ए। क्लियर, ये सब आप लोग 10th में ही सीख चुके हो, ये बहुत बेसिक है। और उसके बाद एक दो फार्मूले मैं और बता दूं जो कि पहले चैप्टर में यूज भी होगा। एक फार्मूला होता है पी यून पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी अगर है तो ये हो जाता है पी ए प्लस पी बी, और यहां पर अगर यूनियन है तो यहां पर इंटरसेक्शन हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाता है। अगर यहां पर ये दूसरा है पी ए इंटरसेक्शन बी, अगर यहां पर इंटरसेक्शन होगा तो यहां पर क्या होगा जो हो जाएगा यूनियन हो जाएगा। दोनों फार्मूले बिल्कुल सेम टू सेम है, सेम यही फार्मूला ही लिखा हुआ है, सिर्फ इसको यहां कर दिया गया है बस, पी ए यूनियन बी। फिर से ध्यान समझ लीजिए, अगर यहां पर यूनियन है यहां इंटरसेक्शन होगा, यहां इंटरसेक्शन है तो यहां पर यूनियन होगा। क्लियर, आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। अगर इसी तरीके से आपको ये दे दिया जाएगा पी ए इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अगर है तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं पी, इस तरीके से अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है दोनों पर डैश लगा हुआ है तब हम इसको लिख देते हैं पी इंटरसेक्शन है तो यूनियन कर देंगे, अगर यूनियन होता तो हम इंटरसेक्शन कर देते और इस तरीके से ऊपर लगा दो पूरे का होल बार, और जब पूरे का होल बार लग जाता है तो आप लोग जान रहे हो 1 कर। अब इस चीज को हम लिख सकते हैं 1 पी ए यूनियन बी, यही जो लिखा हुआ है ए यूनियन बी, ये 1 पी ए यूनियन बी ये आ जाएगा। क्लियर, हमारे सिलेबस में जो है, हमारे सिलेबस में जो प्रायिकता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है हमारे सिलेबस में, इसके पहले का जो बेसिक चीजें हैं वो 11th में है, हम क्लास 12th की स्टार्ट कर रहे हैं तो क्लास 12th की जो प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ना है सा प्रतिबंध प्रायिकता, ये सबसे पहला है, सबसे पहले है सा प्रतिबंध प्रायिकता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोगों को यहां पर पढ़ना है और समझना है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है ये सबसे पहले समझिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हम लोग चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आप लोगों को बस यही कर लीजिए उसके बाद हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा नहीं तो आप क्वेश्चन तो लगा लेंगे, क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेंगे लेकिन उसके लॉजिक को नहीं समझ पाएंगे अगर ये चीज आपने नहीं देखा तो। तो आप लोग इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एक हम कंडीशन सोचते हैं, मींस एक एग्जांपल लेते हैं और वो एग्जांपल बहुत ध्यान समझिएगा, वो एग्जांपल इस तरीके से लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई क्वाइन है, कोई क्वाइन है जिसको दो बार टॉस किया गया है, कोई क्वाइन है जिसको दो बार टॉस किया गया है, मैं लिख नहीं रहा हूं बहुत ध्यान से ऐसे समझा रहा हूं, आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर ले, कोई भी क्वाइन है उस क्वाइन को दो बार टॉस किया गया है, जब दो बार टॉस किया गया तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, क्या क्या हो सकता है, और उसे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो होता है उसे सैंपल स्पेस कहते हैं, क्या कहते हैं सैंपल स्पेस एस, या इसी को समिष्ट भी कहते हैं, हिंदी में इसे समिष्ट भी कहते हैं, इसे यस से डिनोट करेंगे पूरे इस चैप्टर में हम लोग, यस यस का मतलब हो जाएगा सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का मतलब है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, कितना पूरे कितनी कंडीशन संभव है, कितनी कंडीशन पॉसिबल है वही लिखिए एस, और एस इज इक्वल टू जैसे एक क्वाइन को टॉस किया आपने, एक क्वाइन को अगर टॉस किया और वो भी टॉस कितनी बार किया है, दो बार टॉस किया है, तो हो सकता है पहली बार हेड आया है दूसरी बार भी हेड आ जाए,
ये हो सकता है पहली बार भी हेड आया, भाई दो बार टॉस किया गया, पहली बार टॉस किया हेड आ गया, दूसरी बार टॉस किया हेड आ गया, या पहली बार हेड आया दूसरी बार टेल आ गया, या पहली बार टेल आया दूसरी बार हेड आ गया, या दोनों बार टेल आ गया, ये क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। इसके अलावा तो और कोई पॉसिबल आउटकम्स नहीं है, यही चार ही तो कंडीशन है। मतलब यस के टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, चार। मतलब यन यस नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, फोर। ओके, अब हम यहां पर कंडीशन लेते हैं, हमें सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमें कंडीशन लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि हमने एक कंडीशन ले लिया इवन, इवन कंडीशन क्या ले लिया, ई कंडीशन ले लिया, और ई कंडीशन क्या है कि एग्जैक्ट वन हेड या एक हेड होगा, एक हेड होगा, एक हेड होगा, एक हेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक हेड एग्जैक्ट वन हेड होगा। अभी दो कंडीशन हम लेंगे, अभी ध्यान समझिए, एक हेड होगा, एक हेड होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, हम यहीं पर सॉल्व करते हैं। एक हेड होने का मतलब क्या है, एक हेड होने का मतलब यह है कि दो बार टॉस किया गया, पहली बार हेड आया तो दूसरी बार नहीं आएगा, दूसरी बार अगर हेड आ गया तो पहली बार नहीं आएगा, दोनों कंडीशन में से जो दो बार टॉस किया गया कोई एक ही बार आएगा, हेड आएगा। तो यहां पर जो आएगा हेड, मतलब अगर मान लीजिए पहली बार हेड आ गया तो दूसरी बार टेल आ जाएगा, या पहली बार टेल आ गया दूसरी बार हेड आ जाएगा, मतलब दो, यही दो हो जाएंगे कंडीशन। दोनों बार हेड नहीं हो सकता, दोनों बार टेल नहीं हो सकता, एक हेड होगा, मतलब एक हेड होगा ही होगा। दो है, दो बार टॉस किया जा रहा है, या तो पहली बार हेड होगा या तो दूसरी बार हेड होगा, ये चीज। अगर यहां से नंबर ऑफ पॉसिबल आउट, ये फेवरेबल आउटकम्स करें तो एन ई कितने हैं, टोटल कितने नंबर हैं, दो। अब अगर हम ई के होने की प्रोबेबिलिटी निकाले तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं पीई। पीई का मतलब इवेंट ई, घटना ई के होने की प्रोबेबिलिटी, घटना ई के होने की प्रोबेबिलिटी। अभी अभी मैंने फार्मूला लिखा है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ई के होने की प्रोबेबिलिटी यही दो है, तो ये दो हो गया। बट एक टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, चार। कितना हो जाएगा, वन बाई टू। बहुत ध्यान समझते रहिए, आपको सब समझ में आएगा। एक कंडीशन मैंने ये ले लिया ई, दूसरी कंडीशन अब मैं ले रहा हूं, मान लीजिए दूसरी कंडीशन हम ले रहे हैं एफ, और एफ है कंडीशन एटलीस्ट वन हेड के कम से कम एक, कम से कम एक हेड हो, कम से कम एक हेड हो, कम से कम एक हेड हो, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम, ये कैसे होगा, ध्यान समझिए। कम से कम एक हेड हो, कम से कम एक हेड हो मतलब एक हेड होगा या दो हेड होंगे, भाई दो ही बार टॉस किया जा रहा है, या तो एक, कोई भी एक हेड हो सकता है, या दोनों बार हेड आ गया, पहली बार हेड आया दूसरी बार टेल आ गया, या पहली बार टेल आया दूसरी बार हेड आ गया, कम से कम एक हेड होना चाहिए। ये नहीं हो सकता दोनों बार टेल आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, या पहली बार भी हेड आया दूसरी बार भी हेड आ गया, ये क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ, ये एफ के फेवरेबल कंडीशन हो गई। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वन टू थ्री तीन हो गए। अब यहां से हमें पी एफ निकाल लेते हैं, पी एफ, पी एफ क्या होगा, पी एफ मीन्स एफ के होने की प्रोबेबिलिटी। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स एफ के होने की प्रोबेबिलिटी तीन है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, चार हैं, थ्री बाई फोर, ये हो जाए। ओके, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान समझिएगा, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की मैं बात करने चल रहा हूं। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये होती है कि दो इवेंट्स दिए गए होते हैं और ये कहता है कि ई के होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, ई के होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए कब, कंडीशन दी हुई है, यही कंडीशनल है, ई के होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, लेकिन कब, जब दूसरी जो कंडीशन दी हुई है यह वो हो चुकी, कब, इवन के होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है कब, जब यह हो चुका,
एफ हो चुका है, ई के होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, ई की प्रोबेबिलिटी निकालना है। कब, जब एफ हो चुका है, एफ हो चुका है तो एफ को हम नीचे कर देंगे, पीई बाई एफ। मतलब पीई बाई एफ का मतलब क्या है, ई के होने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं कब, जब एफ हो चुका है। एफ क्या है, हो चुका है, जो कंडीशन हो चुकी है उसको हम नीचे रखेंगे, और जिस कंडीशन की हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको हम ऊपर रखेंगे। बहुत ध्यान समझ लीजिए, जो कंडीशन, जो क्वेश्चन दिया गया है, जो कंडीशन हो चुकी है वो एफ नीचे रखेंगे, और जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है वो ई ऊपर रखेंगे। या कि क्वेश्चन को आप पढ़िए ध्यान से, एक बार दो बार क्वेश्चन को पढ़िए, और किसको ऊपर रखना किसको नीचे रखना ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग एक काम करिए कि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको ऊपर रख दीजिए, बाकी जो दूसरी कंडीशन दी हुई है उसे नीचे कर दीजिए। अभी हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो समझेंगे बहुत डिटेल में और बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए पीई बाई एफ, पीई बाई एफ, अब इसकी, इसका फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ। PE by F की प्रोबेबिलिटी नो फार्मूला होता है PE इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय PF। जो नीचे होगा उसी को हम लिखेंगे। अगर यहीं पर हमसे कहा जाता है F के होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए कब, जब इवन हो चुका है, तो यहां पर हम लिखते हैं PF के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कब, जब E हो चुका है, तो PF by E की हो जाती PF इंटरसेक्शन E लिखें या E इंटरसेक्शन F लिखें, एक ही बात है। यहां चाहे एफ पहले कर दो ई बाद में कर दो, इंटरसेक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, वही रहेगा अपान पीई। यहां पर नीचे ध्यान रखना, नीचे ई है तो ई आएगा, एफ है तो एफ आएगा। ओके, अब चलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं पीई बाई एफ, पीई बाई एफ, पीई इंटरसेक्शन एफ। यहां पर अभी हम लोगों ने ई इंटरसेक्शन एफ नहीं निकाला, ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ निकालिए, ई इंटरसेक्शन एफ निकालिए, ई और एफ में इंटरसेक्शन निकालिए। अब ऐसी कितनी चीजें हैं जो दोनों में है, तो इंटरसेक्शन हम देखेंगे तो हमें दोनों चीजें मिल जाएगी ई की। इसमें देखो एच टी इसमें भी है, एच टी इसमें भी है, ये एच टी इंटरसेक्शन हो गया, टी एच इसमें भी है, टी एच इसमें भी, इसमें भी हो गया टी एच, एच एच इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये हमारा इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। तो पी, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ की जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है 4, कितना हो गया 1/2 आ गया। ओके, अब ये वैल्यू रख दीजिए पी ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है 1/2 डिवाइडेड बाय पी एफ, पी एफ, एफ के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एफ के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4, यहां से हम कर सकते हैं 2 × 2 = 4, 2 ऊपर चला जाएगा, तो PE by F is equal to 2/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ गए होंगे कि ए जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना उसको ऊपर रख दो, जो इवेंट हो चुकी है, जो घटना हो चुकी है उसको नीचे रख दो, और PE by F का फार्मूला ये हो जाएगा, अगर F by E निकालना है तो ये फार्मूला ये। क्लियर, आप लोग समझ गए। इसको एक दूसरे तरीके से, बहुत शॉर्टकट तरीके से भी निकाल सकते हैं, कॉन्सेप्ट के तरीके से आप समझिए तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा हमें क्या निकालना है। एक दूसरे तरीके से बस एक लाइन में आंसर हम सीधा लिखेंगे, हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे पीई बाई एफ। हम लोग फार्मूला 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पीए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यही हमें लिखना है। PE by F का मतलब इवेंट E की हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी कब, जब F हो चुका है, F इवेंट्स हो चुका है, तो ये जो F इवेंट्स है, ये जो F इवेंट्स है ये हो चुका है, ये हो चुका है, और इसी में से ये हो चुका है, और इसी में से हमें इसके होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। ये तो है मतलब तो यही है कि ये हो चुका है और इसी में से हमें इसके होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक, डन, इसके होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स हैं 2, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 2, बट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इसको हमें निकालना है किसमें से, कौन सी कंडीशन हो चुकी है, ये कंडीशन हो चुकी है, मतलब इसमें से इसको निकालना है, इसके होने, इसमें से ये हो चुका है तो इसी, यही पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा, तो ये हो चुका है इसमें से इसको निकालना है, इसके फेवरेबल आउटकम्स 2 हो गया, और ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे 1 2 3 3 होंगे।
2/3, ये हमारा आंसर, डायरेक्ट हमारा आंसर, क्लियर। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, पॉज करके नोट करिए, हम मिटा रहे हैं। ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने, मिटा दूं। 1, 2, 3, चलिए मिटा। अब हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, और ये जो एक्सरसाइज है ये हर्षरूप शर्मा वाली बुक से है। हर्षरूप शर्मा की बुक से है, और एक्सरसाइज 13.1, 13.A। कौन सी एक्सरसाइज है? 13.A, एक्सरसाइज 13A का हर्षरूप शर्मा की बुक है, और इसी से हम लोग सभी क्वेश्चन देखेंगे 1 by 1। ओके, तो अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग नीचे देख सकते हैं, यहां पर आ रहा है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है यदि PA = 3/8, PB = 5/8, एंड PA union B = 3/8, ये हमें गिवन है, 3/4 गिवन है। हमें जो फाइंड आउट करना है वो है PA by B और PB by A, हमें निकालना है, और PB by A निकालना है। ये दो चीजें हमें निकालना है। ओके, चलिए हम लोग निकालते हैं। अब यहां से फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तो PA = 3/8 है, PB = इतना गिवन है, और ये दिया हुआ है हमें, और हमें PA by B और PB by A निकालना है। तो PA by E, जैसे ये मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर यहां पर PA by B लिखना हो तो हमारा क्या होगा? PA by B लिखेंगे तो P, और इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ B डिवाइडेड बाई P जो नीचे है, PB लिख देंगे। ओके, तो ऐसे ही यहां पर अगर देखिए आपको ध्यान से, तो A by B है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वही फॉर्मूला, P दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, A by B डिवाइडेड बाई PB। ओके, और यहां पर अगर देखिए तो ये हो जाएगा PB intersection of A डिवाइडेड बाई B intersection of A लिखो, या A intersection of B लिखो, दोनों सेम चीजें हैं, डिवाइड बाई नीचे A है, तो ये हो जाएगा PA। ओके, अब हमें क्या नहीं पता, PA पता है, PB पता है, हमें सिर्फ PA intersection of B नहीं पता है। तो इंटरसेक्शन हमें निकालना, हम ये फार्मूला लगा देते हैं, हम यहां नीचे कैलकुलेट कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, PA intersection of B इक्वल टू होता है PA + PB - PA union B, और इन सब चीजों की वैल्यू हमें पता है। PA की वैल्यू है 3/8, PB की वैल्यू है 5/8, माइनस PA union B की वैल्यू है 3/4। इसका अगर हम लोग LCM लेंगे तो LCM आ जाएगा 8, 3 + 5 - 3, 2 = 6, ये हो जाएगा 5 और 3, 8 - 2, 8 - 6, ये 2 आ जाएगा, 2/8, मतलब आ जाएगा 1/4। वैल्यू पुट कीजिए, PA by B = हो जाएगा PA intersection of B, A intersection B की वैल्यू हो जाएगी 1/4 डिवाइडेड बाई PB, PB की वैल्यू हमें गिवन है 5/8, और ये 4, 2 = 8, 2 को ऊपर कर दो, 2/5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसे हम लोग करेंगे तो PA intersection of B, A intersection of B क्या है, 1/4 है, डिवाइड बाई PA, PA की वैल्यू कितनी है, 3/8 है, 4, 2 = 8, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा PB/A। ओके, जल्दी से नोट कीजिए आप लोग, फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नोट कीजिए जल्दी से, चलिए रिमूव कर रहा हूं मैं, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग देख सकते हो यहां पर नीचे सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को गिवन है, यहां से देखिए सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि PA = 0.6, PE = 0.6 और PF = 0.3, PF = 0.3 और PE intersection F
इंटरसेक्शन ऑफ एफ इज इक्वल टू 0.2 गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, पीई बाई एफ और पी एफ बाई ई यही निकालना है। पीई बाई एफ और पी एफ बाई ई निकालना है। तो दोनों सेम चीजें हैं, हम लोग एक निकाल लेते हैं, एक आप लोग खुद से निकाल लेंगे। हम इसको निकाल दे रहे हैं, इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। ओके, तो पीई बाई एफ अभी अभी फार्मूला लिखा हुआ था यहाँ, तो पीई बाई एफ का फार्मूला और पी एफ बाई ई का फार्मूला यही लगेगा। इस पर फार्मूला लगा दीजिएगा, तुरंत आ जाएगा। पीई बाई एफ का क्या हो जाएगा, पीई इंटरसेक्शन ऑफ एफ, दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए अपान जो नीचे है ई एफ, ये ले लीजिए। पीई बाई एफ इज इक्वल टू पीई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ कितना हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई पी एफ, पी एफ कितना है 0.3, पॉइंट पॉइंट हटा दीजिए क्या आ गया 2/3, यही हमारा आंसर आ गया। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद मैं थर्ड क्वेश्चन करूं रिमूव करूं। चलिए थर्ड क्वेश्चन अब आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग, नीचे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं पी ए इक्वल टू 0.12, पी ए इज इक्वल टू 0.12 और पी बी इज इक्वल टू, पी बी हमें क्या गिवन है, पी बी हमें दिया हुआ 0.15, ओके, और पी बी बाई ए भी हमें गिवन है, पी बी बाई ए भी हमें गिवन है और पी बी बाई ए हमें गिवन है 0.18। हमें पी ए गिवन है 0.12, पी बी गिवन है 0.15 और पी बी बाई ए हमें गिवन है 0.18। हमें निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट हमें निकालना है पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, सेकंड हमें क्या निकालना है, सेकंड हमें निकालना है पी ए बाई बी, पी ए बाई बी, और थर्ड हमें निकालना है पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी। इसमें सब में मैं फार्मूला बता रहा हूं, आप लोग खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए एक में निकाल दे रहा हूं जो कहिए, चलिए मैं इसी को निकाल ले रहा हूं, आप लोग बाकी निकाल लीजिएगा, मैं फार्मूला बता दूंगा। ओके, हमें ये निकालना है, सबसे पहले पी ए बी बाई ए का फार्मूला, पी बी बाई ए का फार्मूला क्या हो जाएगा, पी और दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डिवाइड बाई नीचे ए है तो पी ए हो जाएगा, इक्वल टू 0.18 हो जाएगा। ओके, अब वैल्यू पुट कीजिए, पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी ये तो हमें निकालना ही है, डिवाइडेड बाई पी ए, पी ए की वैल्यू कितनी है 0.12 इक्वल टू 0.18। अब बाई वन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए वन से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 8 96 9, 12 12 और 1 21, और 4 डिजिट पर पॉइंट लगेगा तो यहाँ पॉइंट लगाइए और ये 0, इन दोनों को गुणा कर सकते हैं, इतना आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा इसका। और अगर पी ए बाई बी हमें निकालना है तो क्या करेंगे, पी ए बाई बी अगर हमें निकालना है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला हम लगाएंगे पी, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, पी ए बाई बी डिवाइडेड बाई पी बी, नीचे बी है तो बी, अब पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी हम निकाल चुके हैं, ये वैल्यू आ जाएगी, पी बी पी बी की वैल्यू ये आ जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमें पी ए यूनियन बी निकालना है, पी ए यूनियन बी निकालने के लिए फार्मूला लिखा हुआ, पी ए की वैल्यू हमें पता है, पी बी की वैल्यू भी हमें पता है, पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी की वैल्यू हमने निकाल लिया है तो ये भी हमें पता है, सारी चीजें हमें पता है, वैल्यू रख करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखिए, नोट कीजिए, रिमूव करो, पॉज कर लीजिए, रिमूव कर रहा हूं। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 4 यहां मैंने दे दिया है, यहां से आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें निकालना है पी ई यूनियन एफ, इसमें हमें निकालना है पी ई यूनियन एफ, ये चीज हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, और हमें दिया हुआ है 4 PE इज इक्वल टू पी एफ इज इक्वल टू 8/15, यही गिवन है 8/18, ओके 8/18, और पी ई बाई एफ 5/18 है, और पी ई बाई एफ, पी ई बाई एफ हमें गिवन है 2 बाई
9, ओके, क्या हमें गिवन है, 2/9 गिवन है, आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन यही चीज गिवन है, ओके, किस बुक के क्वेश्चन है, हर्षरूप शर्मा वाली बुक के क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ओके, और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं, अगर यहां से देखिए इतना इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू इतना, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि PF इज इक्वल टू 5/80, ओके, और PE अगर हम लिखेंगे तो PE इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू इतना है तो 4 क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो 5/18 = 72 ये आ जाएगा, ओके, और PE/F इज इक्वल टू 2/9 हो जाएगा। PE/F का फार्मूला हम लोग जानते हैं, PE/F का फॉर्मूला होता है P, दोनों का इंटरसेक्शन लिख दो, E इंटरसेक्शन ऑफ F डिवाइडेड बाय PF इज इक्वल टू 2/9, ओके, अब P इंटरसेक्शन ऑफ F ये हमें नहीं पता है और PF तो हमें पता है, PF हमें पता है, यहां से P E इंटरसेक्शन ऑफ F हम निकाल लेंगे डिवाइड बाय PF, PF की वैल्यू कितनी है, 5/18 इज इक्वल टू 2/9, ओके, अब ये वाला यहां जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ इज इक्वल टू 2/9 इंटू 5/18, ओके, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं, 2/9 यही है, 2/9 है इंटू 5/18 ये इतना आ जाएगा, ओके, तो 5 × 10 हो जाएगा, अगर करना चाहो तो ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ इज इक्वल टू 5 × 10 डिवाइडेड बाई यहां कितना हो जाएगा, 9 × 8 = 72, 9 + 7 जोड़ेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 162 आ जाएगा, ओके, या कि 2 से डिवाइड कर दिए ना, और यहां आ जाएगा 81, ऊपर आ जाएगा 5/81, ओके, ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ। हमें क्या निकालना है, यूनियन, यूनियन निकालना है, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए बी नहीं ई ले लो भाई, ई ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर ई दिया हुआ है तो वही ले लीजिए, ई यूनियन एफ इज इक्वल टू पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। PE की वैल्यू कितनी है, PE की वैल्यू गिवन है 5/72, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, PF इज इक्वल टू 5/18 माइनस PE इंटरसेक्शन F, E इंटरसेक्शन F, PE इंटरसेक्शन F की वैल्यू है 5/81, ओके, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व कर लीजिए, जो कुछ आ जाए वही आंसर आ जाएगा, ओके, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए और सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिमूव कर दो, चलिए मैं रिमूव कर रहा हूं, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर गिवन है और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या निकालना है, पी ए बाई बी निकालना है, पी ए बाई बी हमें निकालना है, ओके, पी ए बाई बी निकालना है और हमें क्या है दिया हुआ है, पी बी इज इक्वल टू 0.5, PB इज इक्वल टू 0.5 ये हमें गिवन है और PA इंटरसेक्शन B गिवन है हमें, PA इंटरसेक्शन ऑफ B हमें गिवन है जिसकी वैल्यू 0.32, ओके, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, PA by B का फार्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, PA इंटरसेक्शन ऑफ B डिवाइडेड बाय PB, भाई नीचे B है तो B आ जाएगा, PA इंटरसेक्शन ऑफ B की वैल्यू है 0.32 डिवाइडेड बाय PB की वैल्यू है 0.5, अब यहां पर देखिए पॉइंट के बाद एक जीरो लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहां आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 50, अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 25, ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर हो जाएगा 16/25, भाई 2 से डिवाइड कर दीजिए ना, 16 × 32 25 × 50, ओके, रिमूव कर रहा हूं मैं, उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है लिखा हुआ, यदि ए तथा बी इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ए इज इक्वल टू 0.12, पी ए की वैल्यू दिया हुआ है 0.12 और पी बी इज इक्वल टू 0.8, पी बी इज इक्वल टू 0.8 ये हमें गिवन है,
पी ए गिवन है, पी बी गिवन है, पी ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन है, पी ए इंटरसेक्शन बी भी हमें गिवन है, और पी ए इंटरसेक्शन आप बी की वैल्यू है 0.4। क्या दिया हुआ है? 0.4। हमें निकालना है पी ए बाई बी और पी बी बाई ए। पी ए बाई बी हमें निकालना है और पी बी बाई ए निकालना है। तो ये हमें निकालना है। हम एक निकाल दे रहे हैं, बाकी एक आप लोग निकाल लीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। पी ए बाई बी का फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, यही फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। इसकी भी वैल्यू गिवन है और इसकी भी वैल्यू गिवन है, आप लोग निकाल सकते हो। ओके, और पी बी बाई ए की वैल्यू हम निकाल देते हैं। पी ए बाई बी का क्या हो जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डिवाइडेड बाई पी ए। ओके, पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी की वैल्यू क्या है? 0.4। और पी ए की वैल्यू कितनी है? 0.12। दो डिजिट पर है, यहां भी दो डिजिट लगा दीजिए। ओके, ये हो जाएगा ऊपर 40 और नीचे 12। 4 से डिवाइड कर दिए, 4 1 4 ये हो जाएगा, और 4 1 4 मतलब 10 आ गया, और 4 3 12 ये आंसर आ जाएगा 10/3। ओके, 4 3 12। हाँ, कैलकुलेशन आप लोग चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 रिमूव कर दूं, रिमूव कर रहा हूं, नोट कर लिए होगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर सेवन। आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर गिवन है। पी इज इक्वल टू 5/12। पी इज इक्वल टू 5/12। और क्या गिवन है? पी एफ इज इक्वल टू 7/12। पी एफ इज इक्वल टू 7/12। ये हमें गिवन है। पी ई दिया हुआ है, पी एफ दिया हुआ है, पी ई यूनियन एफ गिवन है हमें। पी ई यूनियन एफ हमें गिवन है, जिसकी वैल्यू ए पी ई यूनियन एफ की वैल्यू 11/12। ये भी हमें गिवन है। हमें निकालना है पी ई इंटरसेक्शन एफ। हमें क्या निकालना है? पी ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ। ये फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है? सेकंड पार्ट में हमें निकालना है पी ई बाई एफ। पी ई बाई एफ हमें निकालना है। थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है? थर्ड पार्ट में हमें निकालना है पी एफ बाई ई। पी एफ बाई ई। ओके, ये तीन चीजें हमें निकालना है। तो हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हमें तो सबसे पहले तो ये हम निकाल लेते हैं पी। हाँ, आप लोग खुद से निकालिएगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। इंटरसेक्शन वाला फार्मूला लगा दीजिए। पी ई की वैल्यू भी हमें गिवन है, पी एफ की वैल्यू भी हमें गिवन है, पी ए यूनियन बी मतलब ई यूनियन एफ की भी वैल्यू हमें गिवन है। इसके इसकी इसके तीनों की वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट करके ये निकल आएगा आराम से। पी ई बाई एफ, पी ई बाई एफ का फार्मूला क्या होता है? पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ। पी एफ की वैल्यू हमें गिवन है, ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू यहां से निकल आएगी, वैल्यू को करो आंसर आ जाएगा। और पी एफ बाई ई, एफ बाई ई का फार्मूला ये है, इस चीज की वैल्यू ये यहां से निकल आएगी और पी की वैल्यू हमें गिवन है, आराम से हो जाएगा। ओके, रिमूव कर दो क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, जल्दी से सॉल्व कीजिए, अभी अभी सॉल्व कीजिए, तुरंत सॉल्व कीजिए। चलिए रिमूव कर रहा हूं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 मैंने दिया है। आप लोग देख सकते हैं क्या चीज, क्या क्या चीजें गिवन है। पी ए इक्वल टू 0.8। पी ए इक्वल टू 0.8 हमें गिवन है। पी ए की वैल्यू गिवन है, पी बी गिवन है 0.5। पी बी कितना है? 0.5 हमें गिवन है। पी ए गिवन है, पी बी गिवन है, और क्या गिवन है? पी बी बाई ए भी गिवन है। पी बी बाई ए कितना है? पी बी बाई ए की वैल्यू है 0.4। ओके, और हमें क्या क्या चीजें फाइंड आउट करना है? तो पी ए बाई बी की वैल्यू हमें निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, और पी बी बाई ए की वैल्यू नहीं, पी ए बाई बी की वैल्यू हमें निकालना है, पी ए बाई बी की वैल्यू निकालना है, और क्या गिवन, और क्या निकालना है? पी ए यूनियन बी की वैल्यू निकालना है, पी ए यूनियन बी की वैल्यू निकालना है। इन तीन चीजों की वैल्यू हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, पी ए बाई बी ये चीजें जो हमें गिवन हुई है, इसका हम फार्मूला लिख देते हैं। हमें क्या गिवन है? हमें लिखा हुआ है पी बी बाई ए
इक्वल टू 0.4 और पी बी बाई ए का फार्मूला क्या होता है, पी दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डिवाइडेड बाई पी ए जो नीचे है उसका डिवाइडेड बाई 0.4 और पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डिवाइडेड बाई पी ए, पी ए की वैल्यू है 0.8 इक्वल टू 0.4 इधर मल्टीप्लाई कर दिए पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 832 और दो अंक परसेंट हो जाएगा 0.32 ये आंसर आ जाएगा पहले का आंसर ये आ जाएगा। पी ए बाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डिवाइडेड बाई पी बी ये हो जाएगा और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.32 डिवाइड बाई पी बी, पी बी की वैल्यू कितनी है 0.5 पॉइंट हटा दीजिए तो ये आ जाएगा 32/50। अब इसको उससे दो से डिवाइड कर दीजिए तो 16/25 आ जाएगा ये आ जाएगा। पी ए यूनियन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी हमें पता है पी ए की वैल्यू भी हमें पता है पी बी की वैल्यू पता है सारी वैल्यू पता है वैल्यू पुट कीजिए कैलकुलेट कर लीजिए ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। अब नोट कर लिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखते हैं नोट कर लिए चलिए हम रिमूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है क्या चीज है पी ए यूनियन बी की वैल्यू हमें ज्ञात करना है पी ए यूनियन बी की वैल्यू ए यूनियन बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है पी ए यूनियन बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है हमें गिवन है 2PA इक्वल टू पी ए इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी इक्वल टू 5/13 ये हमें गिवन है और पी ए बाई बी की वैल्यू दिया हुआ है 2/5 पी ए बाई बी की वैल्यू पी ए बाई बी की वैल्यू पी ए बाई बी की वैल्यू हमें दिया हुआ है पी ए बाई बी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 2/5 की वैल्यू 2/5 की वैल्यू ओके 2/5 ये चीजें हमें गिवन है। यहां से अगर हम देखें तो पी बी की वैल्यू आ जाएगी 5/13 और पी ए की वैल्यू अगर देखें तो दो से डिवाइड हो जाएगा तो 5/13 26 हो जाएगी ओके। अब यहां से हमें ए यूनियन बी की निकालना है तो हम यहां से पहले इसका फार्मूला लगा लेते हैं क्या होगा ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डिवाइडेड बाई पी बी इज इक्वल टू 2/5 अब यहां से पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू पी बी बटे पी बी पी बी की वैल्यू कितनी है 5/13 इज इक्वल टू 2/5 अब अगर इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/5 कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा 2/13 पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी की वैल्यू ये आ गई। हमें क्या निकालना है हमें निकालना है पी ए यूनियन बी ए यूनियन बी की वैल्यू हमें निकालना है जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन निकालना है वहां क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन हो जाएगा ओके। तो यहां से पी ए पी ए पी ए की वैल्यू क्या है 5/26 प्लस पी बी की वैल्यू कितनी है पी बी की वैल्यू है 5/13 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 2/13। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग जान रहे हैं कि इसका एलसीएम हो जाएगा 26 यहाँ 5 + 5 = 10 माइनस 2 = 4 तो 5 में से 4 निकल जाएगा 1 और ये आ जाएगा 11/26 ये हमारा आंसर आ जाएगा ओके। तो आप लोग जल्दी से पॉज करके नोट कीजिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रिमूव कर दूं चलिए मैं रिमूव कर रहा हूं ओके। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है आप लोग पी ए की वैल्यू गिवन है पी बी की वैल्यू गिवन है और पी ए यूनियन बी की भी वैल्यू गिवन है हमें पी ए इंटरसेक्शन बी और पी ए बाई बी और पी बी बाई ए निकालना है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरीके से सेम टू सेम वही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 सेम है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 सेम है इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा खुद से आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर सकते हैं ओके। तो आप लोग इसको दोबारा रिपीट कीजिए बहुत ध्यान से पढ़िए आप लोग क्योंकि ये बेसिक है आगे हम लोग कल देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कल सॉल्व करेंगे। ओके, तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।